बरेली जिले की मीरगंज तहसील के गांव बीथम से गुजरने वाली भाखड़ा नदी अब तक सैकड़ों ग्रामीणों की जिंदगी निगल चुकी है। ताजा मामला 30 वर्षीय मदन लाल पुत्र खड़क सिंह राजपूत का है। मदन लाल आज से 3 दिन पहले अपने साथियों के साथ मछली पकड़ने के लिए भाखड़ा नदी पर गए थे और मछली पकड़ते वक्त मदन लाल का पैर स्लिप हो गया, जिसकी वजह से वो नदी में गिर गए और गहराई ज्यादा होने की वजह से ऊपर न आ सके। जैसे ही मदन लाल के साथियों ने उन्हें डूबता देखा तो बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी की गहराई ज्यादा होने की वजह से मदन लाल को ढूंढ न पाए और आज 3 दिन गुजर जाने के बाद भी मदन लाल का अता पता नहीं चल सका है। 3 दिन गुजर जाने के बाद भी शासन प्रशासन मौन रहा और यहां तक कि लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय विधायक को खबर किए जाने के बाद भी अब तक उन्होंने आकर नहीं देखा है। आज जब जनप्रिय विधायक सुल्तान बेग को इस मामले की खबर हुई तो वो फौरन अपने काफिले के साथ बीथम पहुंचे और मृतक परिवार से मिले और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और मौके से ही उच्चाधिकारियों से बात कर PAC को बुलाया, जो अब मदन लाल की तलाश में जुट गए हैं। मदन लाल को ढूंढने की तलाश अभी भी जारी है। आपको बता दें कि सुल्तान बेग 3 बार के विधायक रह चुके हैं और आज भी अपने क्षेत्र की जनता की हर संभव मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। नहीं, रहेगा ये खत्म हुई तो महिला वाला था, बड़े से छोटा, बड़े से मतलब बड़े से छोटा। सर नाम क्या था? मदन लाल। अच्छा, मदन लाल नाम था। परसों कै बजे आया था घर से? वहाँ से पहरा में थोड़े दूर लोग गया, वो सब लोग यही समझ रहे, पहले नहाता है वो तो आते ही जा रहा हूँ। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बैठते ही नशे वशे में तो नहीं, हल्की ठीक। अरे उसका भाई साथ में था, वहाँ तक सर जी यहाँ पे हम तार लगा रहे थे, नंद किशोर मंत्री को जानते हैं, हाँ तो वहाँ हम तार लगा रहे, उसने सबसे पहले हमसे ही कहा था। हम तो ये समझ रहे थे सर जी पैर इसमें डेली डोरा लगाता था वो, ऐसे आज की बात थोड़ी है सर जी। कुछ नहीं बेचारे, कुछ ना कुछ तो खबर हुई, कुछ ना कुछ तो होगा। अब है कहाँ नंद किशोर, है कहाँ? आ जाएगा, आ जाएगा। माहौल भी ढूंढने यार, ये भी।